मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें। कभी कभी सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होता है, तभी अचानक से एक असामान्य सी घटना का सामना होता है। तब समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए और इसे किस तरह से निपटा जाए। लेकिन अगर समय रहते समस्या की गंभीरता को समझा जाए और पुख्ता तैयारियों के साथ सामना किया जाए तो किसी भी आपदा से लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सकती है। और यही कर दिखाया है हमारे देश और हमारे प्रदेश की सरकारों ने कोविड-19 के संदर्भ में। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपकी बातें में। हमारे कार्यक्रम के आज का विषय है कोविड-19 और आपदा प्रबंधन। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश और हमारे प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए पुख्ता तैयारी की गई, और आज अगर हम देखें हमारे देश और प्रदेश को तो काफ़ी अन्य देशों और प्रदेशों की स्थिति से हम बेहतर हैं, तो किस तरह की रणनीति अपनाई गई थी तब और आगे भी किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, जब कोरोना के संबंध में चर्चा शुरू हुई तो दूसरे अन्य देशों में ये महामारी फैलना शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे चर्चा अपने भारतवर्ष में हुई। उसके साथ साथ जब हमारा विधानसभा का सत्र चालू था तो 16 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी, इन लोगों ने निर्णय लिया, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें इस बात को रखा गया और ये कहा गया कि सबसे पहले विधानसभा को स्थगित किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा 16 मार्च को स्थगित की गई, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट 24 मार्च तक चली जबकि, तो उसी समय से हमारी सरकार सजग हुई और तत्काल 20 तारीख को हमारी आपदा प्रबंधन की बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उस बैठक में तत्काल 15 करोड़ रुपए पहले स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर किया गया। उसके साथ साथ एहतियात बरतने के लिए कि भाई छत्तीसगढ़ में इस कोरोना महामारी को नहीं फैलने देना है, इस पे बहुत सी चर्चाएं हुई, बातें हुई, स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे और भी हमारे सीनियर मंत्री थे उसमें, उस बैठक में निर्णय लिया गया। उसके साथ साथ आपको जैसे कि मालूम है कि बहुत बड़ा एक ये कारण रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन और संरक्षण और स्वास्थ्य मंत्री जी की सजगता और उनका एक उन्होंने प्लान तैयार किया, इन सब चीज़ों के साथ साथ गृह मंत्री जी ने अपने पुलिस विभाग को सजग किया, इस प्रकार से पूरा शासन और प्रशासन पूरा अमला जब इसमें एक्टिव हुआ तो आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में ये महामारी अन्य प्रदेशों की तरह, जो जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कुछ प्रदेशों में ज्यादा फैल गई, और वैसे अगर दूसरे देशों से हम लगाएं तो हमारा देश भी और देशों की अपेक्षा बेहतर है उस स्थिति में। तो इसी प्रकार से प्रदेश में जो निर्णय लिया गया, धारा 144 21 तारीख से ही लगाई गई, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हम कंटिन्यू 144 धारा लगा के और इस प्रकार से बंद रखेंगे ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। उसके बाद 24 तारीख को पार्लियामेंट स्थगित हुई और 24 तारीख रात के 12 बजे से आपका प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। जी, आपने कहा कि जब ये लॉकडाउन या यहाँ पर 144 धारा लगनी थी उसके पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय को काफ़ी एक्टिव कर दिया गया, फंड भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो किस तरह की तैयारियाँ तब की गई थी और वो तैयारियाँ काफ़ी पुख्ता रहीं जिससे कि यहाँ पर कोविड-19 इतना संक्रमित नहीं कर पाया लोगों को, तो अभी भी किस तरह क्या स्थिति है अगर अभी की बात करें? जब 20 तारीख को ये बैठक हुई तो ये निर्णय किया गया कि स्वास्थ्य सचिव भी थे उस बैठक में, तो उनसे पूछा गया कि वे अपने प्रदेश में
जैसे आपका सैंपल लेके और उनका टेस्टिंग की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, तो बताया गया कि एम्स में व्यवस्था है जी। और बाकी जब ये हुआ कि भाई मुख्यालयों के बीच में जैसे कोई जगह तय की जाए, तो इसमें ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज जहाँ जाएँ, तो मेडिकल कॉलेजों में अगर लैब लगाया जाए तो वहाँ सैंपल टेस्ट हो सकते हैं। तो उसमें ये तय हुआ कि जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में लैब स्थापित की जाए, लैब के बारे में चर्चा कर ली जाए कि लैब सप्लाई हो सके, और तत्काल उसी के लिए 15 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया स्वास्थ्य विभाग को। तो उसमें ये हुआ कि जैसे कोरबा की भी बात आई कि भाई कोरबा में भी एक लैब लगा दें, बीच में पड़ेगा, महत्वपूर्ण स्थान है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो चीज जगह आइडेंटिफाई करके वहां पर टेस्टिंग के लिए कोरबा में तत्काल वो संभव नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजों में वो संभव था। लेकिन इसमें एक समस्या ये थी कि केंद्र सरकार की बिना अनुमति के, उनकी बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकते थे। जो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन जैसे तय होती थी, वहां से जो गाइडलाइन मिलती थी कि भाई आप इस दिशा में काम करिए, इस प्रकार से सैंपल लीजिए, इस प्रकार से टेस्टिंग करिए, तो उसी दिशा में हमारी सरकार काम करते गई और विधिवत, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, चाहे वो केंद्र में अलग सरकार है, हमारी अलग सरकार है, लेकिन उसके बाद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, हम कॉलर को ले लेते हैं पहले। हेलो, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं मनु जगदलपुर से बोल रहा हूँ जी। पूछिए क्या ये था कि जो बच्चे कोटा से वापस आ रहे हैं, बच्चों को तो क्वारंटाइन के लिए बोला गया है, लेकिन जो स्टाफ उनको लेने गया है और जो लेके वापस आएगा, क्या वो भी क्वारंटाइन होंगे? देखिए ये तो आपको मालूम है कि क्वारंटाइन की जो स्कीम है उसमें आपका कोई अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर कोई भी किसी भी मान लीजिए अन्य प्रदेश से आता है तो उस प्रकार से वो व्यवस्था की गई है और उसको क्वारंटाइन रखा जाता है जी। तो निश्चित तौर पर जब बच्चे क्वारंटाइन रहेंगे तो बाकी लोग भी रहेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। जैसे इन्होंने बात की है भी कि जो कोटा से काफ़ी सारे बच्चों को लेकर आया जा रहा है, बसें गई हैं, सभी हम लोग जानते हैं, तो उनके क्योंकि अब तकरीबन 2200-2500 के करीब लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी होंगे, तो क्वारंटीन या आइसोलेशन में रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसमें पूरा अभी उसमें ये किया गया है कि जैसे उन बच्चों को भी उनके घर नहीं जाने देंगे जी, क्योंकि अगर बच्चे घर जाएंगे तो माता पिता परिवार से मिलेंगे, अगर मान लीजिए किसी को पॉजिटिव कल निकल जाते हैं भविष्य में तो फैलने का डर रहेगा, इसलिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। और उसके लिए संभाग मुख्यालयों में व्यवस्था की गई है कि सभी बच्चों को जो जिस संभाग के उस संभाग के मुख्यालय में उनको रखा जाएगा और उनके लिए विधिवत व्यवस्था कर दी गई है। और अगर हम श्रमिकों की बात करें, मजदूरों की बात करें, जैसे कि बहुत ही ज्वलंत इशू है इस वक्त COVID-19 की वजह से भी, और अगर प्रदेशों की बात करें तो उन लोगों ने मजदूरों को लाना शुरू कर दिया है, अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो क्या रणनीति रखी गई है इसमें? देखिए आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में गृह मंत्री जी से चर्चा की है इस संबंध में, और वहां से एक जब तक विधिवत सहमति परमिशन नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से, क्योंकि अन्य प्रदेशों में जो मजदूर गए हुए हैं उनको हम अगर लाएंगे तो साथ में बीच में दूसरे प्रदेश भी पड़ेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के अकेले परमिशन से वो यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मान लीजिए लिखित या मौखिक जैसे उनकी सहमति मिलती है तो उस दिशा में तत्काल पहल की जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता, हमारी सरकार की चिंता उन मजदूरों के प्रति, उन गरीबों के प्रति भी है जो कमाने खाने के लिए अन्य प्रदेशों में गए हैं। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस आपदा के समय चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर जाऊं, घर पहुंच जाऊं। जब दिल्ली बम्बई के जो दिहाड़ी मजदूर जिनके घर पे छत नहीं थी, वो भी जो अधिकांश उसमें यूपी बिहार के बहुत संख्या में थे, तो वो भी वहां से पैदल निकल पड़े थे इसलिए कि भाई हमको अपने घर पहुंचना है। तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने परिवार के पास जाऊं, अपने घर जाऊं। तो लोगों के जो विदेशों के जो वीडियो आते थे उन वीडियो को देख देख के लोगों में इतना भय हो गया था कि लोग अपने आप पैदल भी हजारों हजारों किलोमीटर के लिए पैदल चल पड़े थे। तो हमारी सरकार इसमें बिल्कुल सजग है, मुख्यमंत्री जी, हमारा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार ये चाहती है कि हमारे प्रदेश के जो भी नागरिक जिस जिस प्रदेश में, चाहे वो कमाने खाने गए या अन्य कारणों से अगर वो बचे हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनके उनको अपने प्रदेश लाया जाए, वापस लाया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्ते, आप पूछें क्या सवाल है आपका सोनी जी? नमस्कार
जी हेलो जी जी पूछिए सवाल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरा सवाल है कि जैसे किसी को कोरोना हुआ है तो मतलब 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है, करके कुछ लोग ऐसे फैलाए हैं, तो क्या ये सच में है कि ये मतलब कोई भ्रांति है, इसको स्पष्ट आप लोग बताए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो अभी आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 37 लोगों को ये पॉजिटिव पाया गया, लेकिन कोई इस प्रकार की एक भी घटना नहीं घटी है। और ये भी आपको मालूम है कि ऐसा कोई जो भी पॉजिटिव पाया गया उसमें कोई सीरियस भी नहीं हुआ है, ना किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाती है, ऐसा कोई उसका कारण नहीं है। जो विदेशों के वीडियो देख के है होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है और अपने प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। जी, अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने भी कहा और भी दर्शकों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि जैसे बाकी और प्रदेशों में जहाँ पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है बहुत तेज़ी से, हमारे यहाँ क्या रणनीति अपनाई जा रही है, क्या टेस्टिंग की जा रही है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है या कितनी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है और जहाँ जहाँ पॉजिटिव पाए गए उस पूरे काफ़ी इलाके को सील कर दिया जाता है, वहाँ आपके 14 दिन बाद में तो 28 दिन भी किया गया है, और बाकायदा वहाँ पूरी मॉनिटरिंग होती है, वहाँ लोगों को रखा जाता है कि भाई कोई बाहर नहीं जाए और बाहर का आदमी उस क्षेत्र में नहीं जाए, और इसके साथ साथ बाकायदा उस क्षेत्र के आसपास के एरिया में भी रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। जैसे कटघोरा का मामला, कटघोरा में काफ़ी संख्या में लोग निकले, तो वहाँ कटघोरा में जो भी पॉजिटिव पाया गया वो व्यक्ति किस किस से मिला, उससे मिलने वाले किस किस से मिले, उससे मिलने वहां तक हम लोग काफी डेप्थ तक उसमें गए, इसीलिए वहां पे काबू पाया गया कि काफी दूर तक, अगर मान लीजिए जो पॉजिटिव पाया गया उससे मिलने वाले 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग, एक से दूसरा मिला, दूसरे से तीसरा मिला, उस प्रकार 5 लोग भी अगर मिले हैं जो, जबकि 5वें और पहले का कोई कनेक्शन सीधा नहीं है, उनकी भी टेस्टिंग की गई, ताकि इस प्रकार से अगर कोई किसी को भी थोड़ी सी अगर शंका होगी तो उसको टेस्ट किया गया और उस प्रकार से पॉजिटिव जो पाए गए उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जो लगभग स्वस्थ हो चुके हैं, 4 केस खाली कटघोरा के बचे हुए हैं और एक रायपुर में जो एम्स का नर्सिंग स्टाफ बचे हुए हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं। हेलो, जी साहू जी पूछिए क्या सवाल है आपका। ये है मैडम जी कि जैसे हमारे बीच में अगर राजस्थान कोटा गए हैं जी, और वहाँ से छात्र है मजदूर है उनको ला रहे हैं, तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब आगामी संक्रमण के लिए खतरा थोड़ी पैदा होगा, और उनका किस ढंग से व्यवस्था करेंगे ये आप ये पूछना चाहता हूँ। देखिए साहू जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि सरकार ने पूरे प्रबंध किए हैं, कोटा से जो स्टूडेंट वापस आ रहे हैं उनको संभाग मुख्यालयों में रखा जाएगा और विधिवत उसकी व्यवस्था कर दी गई है, वो अपने घर अभी नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए उनके माध्यम से कोई भी इसमें फैलने की या किसी के भी इस वायरस के फैल के और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। जी, अगर हम बात करें ये तो जो अभी की स्थिति चल रही है ये तो चल ही रही है और बड़ी अनिश्चितता है इस स्थिति को लेकर के भी, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए भी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक पूरी तरह से संक्रमण, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा बिल्कुल उसके लिए व्यवस्था दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बढ़ाई जा रही है और आपके टेस्टिंग के लिए भी व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, रैपिड किट भी, और जिस प्रकार से हॉस्पिटलों का आपका पॉजिटिव अगर निकलते हैं उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उसमें बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर भी बढ़ाए जा रहे हैं, इस प्रकार से पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में समुचित व्यवस्था की गई है, इसलिए बिल्कुल यहाँ हमारे प्रदेश की जनता को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारी सरकार बिल्कुल सजग है और किसी परिस्थिति में हम अपने प्रदेश में इस महामारी को फैलने नहीं देंगे, इसके लिए पूरे एहतियात के तौर पर व्यवस्था की गई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे भलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय हैं, समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आपकी बातें में, और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है कोविड 19 के बचाव और आपदा प्रबंधन। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप जी? पूछिए, क्या सवाल है आपका? पूछिए, फिर से सवाल रिपीट कीजिए। गुजरात में हैं आप? छत्तीसगढ़ से हैं? छत्तीसगढ़ के हैं आप? क्या सवाल क्या है आपका? आप आना चाहते हैं वापस? जी साहू जी, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इसमें बिल्कुल सजग है और लगे हुए हैं हम लोग, कि छत्तीसगढ़ से जितने भी लोग बाहर गए हैं अन्य प्रदेशों में, उन सबको वापस छत्तीसगढ़ लाने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। अभी पहली किस्त में अभी कोटा के स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है, जो रास्ते में है अभी, जिनको कल सुबह तक पहुँचने की संभावना है, और इसी प्रकार मजदूरों को या अन्य लोग जो अन्य प्रदेशों में गए हुए हैं उनको लाने के लिए भी लगातार केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से चर्चा की है, और वो संपर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सभी लोगों को अपने प्रदेश वापस लाया जाए। जी, जैसे कि हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलता है, और अगर हम लोग अब बात करें तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से प्लानिंग की गई है कि इस संक्रमण को रोका जा सकेगा, इस पर हम आपका जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं आशीष बोल रहा था कोरबा से। जी आशीष जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी आशीष जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ जी, और शहरी इलाके में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है जी प्रबंधन के द्वारा और कलेक्टर पार्को की टीम के द्वारा, लेकिन जैसे ग्रामीण एरिया में इसको देखने मिल रहा है जी, जैसे लेमरो हो गया, कॉफी पॉइंट, ये सब एरिया में लोगों को बहुत दिक्कत है। सरकार की ओर से चावल तो आपूर्ति गिर जा रही है, लेकिन बाकी सामानों की बहुत दिक्कतें हो रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो निगम क्षेत्र से जो राशन के सामान जो कलेक्ट किया जा रहा है वो सरकार की ओर से और भी बाकी हेल्प किया जाए तो बहुत अच्छा रहे। आशीष जी, कहाँ रहते हैं आप? कोरबा में? कोरबा में मैं बालकों में। बालकों में आपको मालूम है जैसा कि जैसे अभी काफी पॉइंट हो या लेमरू जो आपका देवपहरी है, उन क्षेत्रों में भी तो घूमने के लिए मना किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाका है वहाँ भी जो भी किसी के पास अगर भोजन की या कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था की जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र का बताएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे प्रदेश में गाँव के लोग अच्छे से सजग हैं कि गांव-गांव में स्वयं बैरिकेड्स लगा के उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी बाहर से आने वाले को न घुसने दिया जाए। यहाँ तक कि अगर उस गांव का रहने वाले व्यक्ति और जो बाहर गया हुआ था,
अगर वो भी आते हैं तो गांव के बाहर स्कूल में या कहीं भी सामुदायिक भवन वो रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार से अगर बाहर से कोई आए, मान लीजिए अगर उसको कोई संक्रमण की समस्या है तो वो गांव में न फैले। इसलिए मैं तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग काफ़ी सजग हैं और जो हमारे प्रदेश में जो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अच्छी स्थिति है कोरोना के मामले में, उसका बहुत बड़ा कारण है कि प्रदेश की जनता का जो सहयोग मिल रहा है और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र की जनता इसमें अपने आप बहुत ज़्यादा सजग है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि जो दैनिक ज़रूरत का सामान है वो शहरी क्षेत्रों में तो आसानी से मिल जा रहा है या ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन उनका कंसर्न यही था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी परेशानी हो रही है। मैंने बताया ना कि अगर कहीं भी बता दें वो मुझे, मैं बिल्कुल उसमें अभी तत्काल यहाँ से उठने के बाद हम लोग उसमें बात करेंगे, कलेक्टर से जानकारी दे देंगे। लेकिन हमने पूरी व्यवस्था की हुई है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर हो चाहे झुग्गी झोपड़ी, हर क्षेत्र में राशन की व्यवस्था की गई है, खाने के सामान की व्यवस्था की गई है, राहत कैंप खोले गए हैं कि पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा न सोए, पूरी पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। अगर कहीं भी समस्या आती है, हमने तो बाकायदा हर वार्डों तक में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं, मैंने अपने हेल्पलाइन नंबर अलग से खोले हुए हैं, मेरे दोनों मोबाइल भी 24 घंटा चालू रहते हैं कि कोई भी समस्या आती है हम तत्काल उस पर ध्यान देते हैं और शासन भी पूरा इसमें लगा हुआ है। जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो किस तरह की तब रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, अभी उसमें पूरी व्यवस्था, मतलब जो हमारी यहाँ पे टीम बनी हुई है, प्रदेश में भी जिलों में भी टीम बनी हुई है, तो उसमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में हम लोग ये भी अपील करेंगे कि भाई कोई भी सार्वजनिक जगह पे थूके नहीं, मास्क लगा के चलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, भले साबुन से धोएं। तो इस प्रकार से हम लोग कई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, तो पूरा उसमें पूरा सजगता के साथ काम किया जाएगा। और बीच में भी जो राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें, जो जो भी दुकानें जो शॉप खुली है उनमें भी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दुकानों के सामने में अलग घेरा बना के उसमें डिस्टेंस करके उन लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया गया है और उस दिशा में काफी सजग है, प्रशासन भी सजग है पूरे प्रदेश का। तो हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें हमारे प्रदेश में समस्या आगे न बढ़े, न फैले, इस दिशा में बड़ी तेजी से काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, मनीष कुमार बोल रहे हैं। जी मनीष जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हम यहाँ से गुजरात में सूरत में फंसा हुआ है। हमारा सवाल है कि यहाँ का राज्य सरकार हमको कुछ खाने पीने के लिए मुहैया नहीं करा रहे हैं, अब तकलीफ, हम अपना घर जाने चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार उपलब्ध कराएगी। हर जगह पूरा लगे हुए हैं, हर प्रदेश में, और यहाँ पूरी टीम बनी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, आपको वो समस्या नहीं जाएगी और वापस लाने के भी प्रबंध किए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति किसी भी प्रदेश में किन्हीं भी कारणों से अगर बचे हुए हैं, रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उनको वापस छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द लाया जा सके। मंत्री जी, जैसे अभी इन्होंने भी कहा, और अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में देखें तो इतना बड़ा स्टेट होता है, इतने लोग होते हैं, हम कितनी भी योजनाएं बना लें और एग्जीक्यूशन करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूटी जाती है अनजाने में, मतलब जानबूझकर नहीं छूटती है। तो उस तरह की परिस्थितियों में किस तरह की आप लोगों की रणनीति है कि एक हर एक व्यक्ति तक पहुँचा जा सके और हर एक व्यक्ति को उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया कराया जा सके? नहीं, मैंने बताया ना कि प्रदेश में भी टीम बनी हुई है, जिलों में टीम बनी हुई है, हर जिले के कलेक्टरों को निर्देश हैं कि किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या जाती है तत्काल उसको उसकी व्यवस्था की जाए। और यही तो सब कारण है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा, जो हम अभी बचे हुए हैं, जिस प्रकार से इस महामारी से बचने के प्रयास किए गए उसमें हमको जो सफलता मिली, अलग हम लोग सफल हो चुके हैं। ये अलग बात है कि आगे की जो आपने कहा कि भाई ये समस्या भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो ये समस्या खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उस पर काबू पाने में अभी कामयाब हुए हैं। तो जब एक बैग जब ये वायरस का फैलाव शुरू हुआ तो उस समय जब हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए, तभी तो बहुत सी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बहुत सी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं, तो आगे ये न फैले, इस दिशा में पूर्ण रूप से
हमारी सरकार सजग है और हमको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार से पूरे अमला लगा हुआ है, अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, हर विभाग के, चाहे आपके प्रशासन के हों, रेवेन्यू के हों, पुलिस विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों या अन्य विभागों के अधिकारी, हर प्रकार से हमारे पूरा मंत्रिमंडल, पूरे हमारे विधायक साथी, कलेक्टर, SP, CMHO सभी लोग लगे हुए हैं। तो हमको पूरी विश्वास है, उम्मीद है कि हमारे यहाँ ये समस्या इस प्रकार से नहीं फैल पाएगी और हम पूर्ण रूप से सफल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के भी सीधे सवालों के जवाब आपने दिए और हमें यकीन है कि उनको ये तसल्ली हो गई होगी कि वो छत्तीसगढ़ में बहुत सेफ हैं और अगर आने वाली कोई भी परेशानी होगी तो सरकार उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने जाना कि थोड़ा सा अगर मानसिक संबल रखा जाए और सूझबूझ रखी जाए तो कोई सी बड़ी आपदा से भी आसानी से निपटा जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।